हेलो गाइज एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैटलिस्ट ब्राउज जो कि सोनी का एक सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके आप कैसे अपनी फुटेज को काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हो। यार कैटलिस्ट ब्राउज में एक सबसे इंटरेस्टिंग फीचर को एक जो सोनी ने अभी रिसेंटली इनेबल किया था वो था जायरो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपनी फुटेजेस को जो है वो पोस्ट में स्टडी शॉट में क्रिएट कर सकते हो। अब क्या होता है देखो यार कैटलिस्ट ब्राउज सोनी की अपनी खुद की सॉफ्टवेयर है और अगर आप सोनी का कैमरा यूज़ कर रहे हैं हैंड हेल्ड वीडियोग्राफी में और जैसे सब उसको आपका FX3 है, FX30 है, S7 है, वट एवर न्यू जनरेशन कैमराज यू हैव वो सब जो है वो जायरो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। अब जायरो इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज क्या है कि अगर सपोज करो आपने वीडियो हैंडल शूट किया था और आप उसे और ज़्यादा स्टेबलाइज करना चाहते हो तो वो सोनी के कैटलिस्ट ब्राउज को यूज़ करके की जा सकती है। तो लगभग जो है वो इफेक्टिव 8 स्टॉप का स्टडी शॉट वो आपको बना के देता है। अब वो कैसे काम करता है देखो, कुछ सैम्पल शॉट्स तो आपको इमेजेस स्क्रीन पे दिख रही होंगी, फुटेजेस जो है स्क्रीन पे दिख रही होगी। हैंड हेल्ड शूट करी थी और जायरो के डेटा को यूज़ किया तो कितनी ज़्यादा स्टडी हो गई। अगर आपके पास गिम्बल नहीं है बाय एनी चांस और आपने अपनी वीडियो को शूट कर लिया है एंड यू वांट टू शो दैम कि वो जो है वो स्टेबलाइज्ड जो है वो दिख रही है, तो इस सिचुएशन में बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके फुटेजेस को काफ़ी स्टडी किया जा सकता है। वो समझेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर मेरे पास मेरा लैपटॉप है, क्विकली आपको मैं स्क्रीन पर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करता है। सो अभी आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी और यहाँ पे मैंने जो है वो कैटलिस्ट ब्राउज जो है वो ओपन किया हुआ है। ट्राइट किए, एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर अभी तक आप सोनी कैमरा यूज़ कर रहे हैं और इसको नहीं इंस्टॉल किया है, स्पेसिफिकली अगर आप वीडियोस बनाते हो तो आप डेफिनेटली इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर इंस्टॉल करो। बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है फॉर वीडियोग्राफर्स और वीडियो एडिटर्स। अब मैंने क्या किया है, मेरा मेमोरी कार्ड मेरे लैपटॉप पे लगाया है, ठीक है, और मेरे सामने इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर जस्ट ओपन किया है। इस तरीके से इसका ओवरऑल लेआउट दिखता है, ठीक है। ये मैं होम पे ले जाऊँ तो दिस इज़ काइंड ऑफ इट लुक्स लाइक। अब अगर आपने मेमोरी कार्ड लगाया तो कैसा प्रोसेस होता है बेसिकली फुटेज को स्टॉल करने का, स्टेबलाइज करने का, कि आप सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने बेसिकली जो है इसमें कुछ डेटा ऑलरेडी सॉर्ट किया हुआ था तो मैं यहाँ मॉडल शूट पे गया, मॉडल रीज पे गया, मॉडल रीज पे गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिप्स का जो भंडार है वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि जिस भी क्लिप के ऊपर ये आइकॉन दिख रहा है, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यू कुड सी के कहता है कंटेन्स स्टेबलाइजेशन मेटा डेटा, ठीक है। तो जिस भी क्लिप के ऊपर ये वाला लोगो आ रहा होगा उस क्लिप को आप स्टेबलाइज कर पाओगे और अगर आपकी क्लिप्स में ये वाला लोगो नहीं आ रहा इसका मतलब है वो फुटेजेस जो है वो स्टेबलाइज नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वीडियोस कर रहे हो तो ये स्टेबलाइज करना चाह रहे हो हैंड हेल्ड फुटेजेस को तो ये वाला लोगो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब एक और जो है एडवांटेज है वो इस सॉफ्टवेयर का वो है कि ये आपकी फुटेजेस को में करेक्शन भी कर सकता है, कलर्स का करेक्शन भी कर सकता है। जैसे ये फुटेज जो है वो एसलॉग फुटेज है पर मैं जैसे ही इसे सिलेक्ट करता हूँ यू कुड सी के इसने ऑटो करेक्शन अप्लाई कर दिया है। ऑफकोर्स थोड़ी ब्लू कर दी है क्योंकि इसने वाइट बैलेंस सही से जज नहीं किया जो कि हम लोग कर सकते हैं, जज करा सकते हैं इसको। तो मैं जैसे इस क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मुझे करेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोर्स देख सकता हूँ कि किस कैमरे से शूट हुई है, XVCC फॉर्मेट है, कब इसको शूट किया था और कौन से कैमरा से, क्या कोडाक पे ये शूट हुई है, ठीक है, और क्या रेजोल्यूशन है इसका, कौन सा जो है वो लॉग लगा रखा था, ठीक है। और इस तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन, ये क्या, ये जो है वो FX3 से शूट हुई हुई, ये रहा FX3 से शूट हुई हुई, सारी इन्फॉर्मेशन भी शो करता है। अगर आपको पता लगाना हो कि कौन से कैमरे का जो है वो बेसिकली शूट हुआ है तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एडजस्ट कलर तो यहाँ पर मुझे कलर पैलेट पर ले आता है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले तो ऑफकोर्स इसका वाइट बैलेंस ठीक करना है विच इज़ काइंड ऑफ ऑफ नाउ, ठीक है। मैं यहाँ तक ले आया और आप देख सकते हैं मेरा वाइट बैलेंस ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, ठीक है। और ये मैं मजेंटा शिफ्ट जो आ रहा है इसको भी चेंज कर दूँगा, ठीक है। अगर मुझे अब एक्सपोजर चेंज करना है, मैंने बेस 800 रखा हुआ था और अगर मुझे इसको चेंज करना है क्योंकि EI मोड पर चल रहा था तो आई कैन यहाँ से मैं नीचे जा कर के कर्व से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और लट अगर मुझे ऑफ़ करनी है तो मैं लट ऑफ़ कर दूंगा तो ये लॉक बन जाएगा और अगर लट ऑन कर दूंगा, ठीक है, मैनुअल पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास में इन लट्स का ऑप्शन है HG10, ठीक है, और Rec.709 और अगर आप लॉक ऑफ़ कर दोगे तो ये एस लॉक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली और यहाँ से मैं इवन पिक्चर प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लुक प्रोफाइल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, कन्वर्ट टू, तो अगर मैं चाहूँ तो सीधे मैं Rec.709 लगा दूँ, और अगर चाहूँ तो मैं इसे कन्वर्ट टू और किसी जैसे सिने में लेके जाना है मेरे को, या फिर किसी और लुक में लेके जाना है, ठीक है। इन लुक के अंदर यहाँ पे मुझे बाई डिफ़ॉल्ट ये लुक्स मिल जाते हैं, वो मैं यहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ। सो मैं अगर यहाँ जाऊँ नीचे की तरफ मुझे मिलता है ऑप्शन एडजस्टमेंट का, और यहाँ पे मुझे ऑप्शन शो करता है स्टेबलाइज क्लिप। मैंने जैसे इसे क्लिक किया ये अभी प्रीव्यू को एनालाइज करेगा। यहाँ पे आई कैन कंट्रोल कि मुझे कितना क्रॉप चाहिए, ठीक है। मुझे मिनिमलिस्टिक क्रॉप चाहिए तो आई कैन कंट्रोल दी क्रॉप लेवल एज वेल, ठीक है। और मैं अब इसे एनालाइज कर लूँगा। इट टेक्स हार्डली 10 to 15 मिनट्स। थोड़ा ज़्यादा क्रॉप हो गया, अगर मुझे क्रॉप को और कम करना है तो आई कैन रिड्यूस दी क्रॉप लेवल ऑल्सो, ठीक है। और नाउ मेरी फुटेज को देखेंगे तो इट्स स्टेबलाइज्ड वेरी वेरी वेल। जनरली क्या प्रॉब्लम आती थी वूप स्टेबलाइज़र के साथ में, अगर आपने प्रीमियर यूज़ किया हो तो प्रीमियर में वूप स्टेबलाइज़र चलता है, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि वो कॉर्नर्स के अंदर एक वॉबल इफेक्ट क्रिएट करता था। बट अगर आप इसका स्टेबलाइजेशन यूज़ करोगे, स्टेबलाइजेशन वाला फीचर यूज़ करोगे लॉग डेटा को यूज़ करके, जायरो डेटा को यूज़ करके, तो ये काफ़ी स्टडी वीडियो बनाता है। और देर इज़ नो वॉबल इफेक्ट इन दी कॉर्नर्स विच यू विल यूजुअली गेट विद प्रीमियर और दाविंची एनी अदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जायरो का यही एडवांटेज है कि डेटा को यूज़ करके और बेसिकली फुटेज को बहुत अच्छे से सटल तरीके से स्टेबलाइज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से फुटेज जो है वो स्टेबलाइज हुई है, एंड इट लुक्स रियली रियली गुड। यहाँ पे मैं इसको मैनुअल करूँ तो आई कैन एज यू नो आई कैन सिलेक्ट दी क्रॉप लेवल, हाउ मच क्रॉप आई वांट। और अगर मुझे क्रॉप थोड़ा कम करना है तो आई कैन सिलेक्ट दैट। अगर मैं थोड़ा कम करूँगा तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा स्टडी को कम कर देगा, तो इस वजह से आप ज़्यादातर इसे ऑटो पे छोड़ दो क्योंकि ऑटोमेटिक एनालाइज करता है। बट अगर क्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो इस केस में आप यू कैन गो फॉर मैनुअल, एंड देन उसके हिसाब से आप अपने जो बेसिकली स्मूथनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप जायरो डेटा इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो अपनी फुटेज को स्टेबलाइज करने के लिए, और ये स्पेशली सोनी कैमरास के साथ होना पॉसिबल है। तो आप जाकर के ज़रूर इस फीचर को ट्राई आउट करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको फीचर, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है और काफ़ी लोगों को इस फीचर के बारे में नहीं पता। अगर आप अपने हैंड हेल्ड फुटेजेस को ही गिम्बल के तौर पर दिखाना चाहते हो, गिम्बल लाइक फुटेजेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एक वन ऑफ दी यूज़फुल सॉफ्टवेयर का जो ओवरऑल प्रोसेस है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि सोनी की तरफ से आपको मिलता है, तो आप डेफिनेटली जाकर के इस सॉफ्टवेयर को जाके चेक करें। और अगर आप लोगों को और भी कुछ इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सीखना है तो वो मुझे कमेंट में बताओ कि अगर मैं इसके ऊपर कोई और ट्यूटोरियल लेके आ सकूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मोर फीचर्स इन दिस सॉफ्टवेयर। बाय द वे यार, अगर आप लोगों को कलर ग्रेडिंग करनी है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लुक्स तो मिलते ही हैं, बट आप कलर ग्रेडिंग प्रीमियर या फिर किसी और सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने अपने मास्टर प्रीसेट्स बना रखे हैं, तो वो जाके चेकआउट करें। आप एक सिंगल क्लिक में बहुत ही सिनेमैटिक लुक में अपनी एशलॉक फुटेज को कलर ग्रेड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।